तलहा का पूरा हो गया, सामान चला गया, चला जा रहा। यहाँ पर लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। कुछ हिस्टोरी है यहाँ का, लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हो गया नेक्स्ट डे, आज है सैटरडे और आज है तलहा को जाना भी है इंडिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 10-11 बज रहा है। तो अभी कुछ व्यू पॉइंट भी बचे हैं, देख लेते हैं। इसके बाद शाम का, इसका शाम को फ्लाइट है आज इसका, तो बस इनको बैठा करके फिर हम लोग भी निकल जाएंगे यानबू। फिर इसके बाद यानबू, फिर अब ये रेडी हो रहे हैं। हम लोग को बोल रहे थे लेट हो रहा, अभी देखिए अभी देर। तो चलते देखते कोई भी पॉइंट बचा है तो घूम लेते हैं कि क्या करना है यहाँ पे, सो के क्या करेंगे यहाँ पे। सो फ्रिज सबसे मेन अच्छा फ्रिज है, बड़ा फ्रिज है। तो तलहा ने अपना चॉकलेट वॉकलेट डाल दिया, अभी ले जाना है तो वो डाल के रख लिया है। होटल बाहर का, ये है यहाँ का व्यू, ये होटल है। और कितनी धूप है, क्या है यहाँ का धूप। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ व्यू पॉइंट बचे हुए थे। तो बनी उनैफ मास्क है, मस्जिद है जहाँ पर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ भी पढ़े थे, ये हिस्ट्री है। और तो ये वहाँ पे नमाज़ पढ़े थे, तो वहाँ पे उस मस्जिद में जा रहे हैं। और फिर हम लोग जाएँगे कुआँ देखने, वेल। और ये सारी जो दोनों चीज़ें हैं ये कुबा मस्जिद के पास में ही है, आसपास में है। अगर आप आते हो कुबा मस्जिद तो जरूर ये सब व्यू पॉइंट आप घूम सकते हो, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। ये देखें, ये है बनी उनैफ मास्क। क्या है ये? हेरिटेज कमीशन लोकेटेड बनी हनीफ। आप बली पीपल हु लिव बिटवीन बनी अमर इन कुबा एंड अस। यह है मस्जिद। तो इस मस्जिद में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी यहाँ पर। तो यहाँ की ये हिस्ट्री है, ये देखिए। बहुत मतलब आते हैं लोग नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये अंदर से है। ये बनी हनीफ मास्क, माशाल्लाह। तो ये आपसे ये हो गया, माशाल्लाह। देखिए कुबा मस्जिद, यहाँ पे भी बहुत कुछ बनेगा यहाँ पर। ये भी खाली है प्लॉट, और यहाँ पे है कुबा मस्जिद, और इधर है कुआं देखने जा रहे हैं वेल। ये हम लोग जा रहे हैं कुआं देखने। इधर देखे खजूर का बाग भी लग रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं कुआं देखने, या कुआं या वेल बोल सकते हैं आप। तो बस हम लोग जा रहे हैं वही देखने, और ये भी कुबा मस्जिद के पास में है और ये आसपास में है। और आप लोग जब भी आओ तो आप लोग ज़रूर ये सारी चीज़ें घूमो, क्योंकि पता नहीं रहता है लोगों को, किसी को, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो हो जाता है कभी, मतलब आप नहीं देख पाते हो, जल्दी में रहते हो या इधर कुछ पता नहीं रहता। तो ये कुबा मस्जिद के पास में है। तो ये देखें यहाँ की ये हिस्ट्री है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ पर इस कुएँ में वज़ू किए थे और बस यहाँ पर नमाज़ पढ़े थे। तो ये कुआँ की हिस्ट्री है, यहाँ पर वज़ू किए थे। ये देखें हमारे में से ये कुआं शायद अभी ढका हुआ है, और देखते हैं। ये देखिए कुआं ढका हुआ है, और ये क्या बोलते हैं, बोरवेल से पानी निकल रहा है। मोबाइल में देखो, तो कुएं को सेफ्टी के लिए ढक दिया गया है यहाँ पर। तो बस आप लोग देखो और ज़रूर इस ज़ियारत करो।
ये बंद हो गया वैसे, पानी पानी इसके अंदर से आ रहा है, पानी मतलब इसके अंदर से आ रहा है, पानी आ रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये भी कुआं था पहले का। ये देखें ये कुआं है, यहाँ से बहुत लोग जियारत करने यहाँ पर आते हैं, देखने आते हैं। ये देखिए, ये देखे लोग पानी भी पी रहे हैं, वजू भी कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुद मैं नहीं सोची थी मैं इतनी अच्छी मतलब देख पाऊँगी ये सारी चीज़ें, अल्लाह अल्लाह पाक का करम है मेरे ऊपर। कुछ हिस्टोरी है यहाँ का, लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखो कुआँ है, कुआँ का पानी। और ये खजूर, अब हम लोग जा रहे हैं तलहा को छोड़ने एयरपोर्ट, क्योंकि शाम हो गया, क्योंकि हम लोग फिर होटल गए, होटल से सामान हम लोग ने पैक किया तो वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए। बस अब हम लोग शाम को तलहा को छोड़ने जा रहे हैं यहाँ एयरपोर्ट पर। ये देखिए ये एयरपोर्ट मदीना का है, सामान चला गया, तलहा का चला गया है अपना, अब अपना चीक ऊपर आ रहा होगा, तलहा तो चला गया। अब हम लोग भी यानबू जा रहे हैं और देखते हैं रास्ते में कुछ अच्छा व्यू होगा तो आप दिखाएंगे। हम लोग रास्ते में नमाज पढ़ने के लिए रुके हैं, असर का नमाज वजू बना रहे हैं। और ये मस्जिद है, ये देखो ये पहाड़ है बीच में, माउंटेन, और ये लग रहा है रोड बना हुआ है, ये ऐसा लग रहा है कि पानी निकलने के लिए बनाया गया, वैसा है नहीं, डैम टाइप का नहीं है, ये रोड लग रहा है रोड ही है। ये है मस्जिद माशाल्लाह। तो चला गया है और बिल्कुल थोड़ा सा लग रहा, चार माशाल्लाह 40 days रहा मेरे साथ सऊदी में, पहली बार ऐसा मतलब हुआ, क्योंकि छोटे में पढ़ाई रहता था जब वो इंटर या हाई स्कूल में थे तो बहुत कम दिन के लिए छुट्टी मिलती थी उनको आने के लिए यहाँ पर। और इस बार माशाल्लाह छुट्टी थी एक पूरी, तो रहा साथ में गया, हम सब मुसाफिर दुनिया सफर।